सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि जिंदगी तो खुद को बनाने में है। उड़ गए हो तो रब का शुक्रिया अदा कीजिए। हर जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है। आज का पंचांग 14 सितंबर 2020, देश सोमवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात्रि 1:29 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र दोपहर 3:52 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:48 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 14 सितंबर 2020, दिन सोमवार, आज आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम निपटा लेंगे। ये सारा काम खत्म करके आपको एक तरह की संतुष्टि मिलेगी जिसे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको घर और दोनों ही जगह में अधिक सराहना मिलेगी। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में रुचि व्यवस्था बनाकर रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण बना रहेगा। अपनी भावनाओं को नजरअंदाज न करें, खास तौर पर जिन भावनाओं से आपको तकलीफ है। नकारात्मक भावनाओं का सामना करना ही एकमात्र इलाज होगा। वाहन को संभाल कर चलाएं, आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो सकता है। माता पिता के विवाद से दूर रहें। याद रखें, परिवार की हर बात को सुलझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नौकरी आपके लिए चिंता का विषय होगा। सावधानियां, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि घर के लोगों पर आपका अधिक हस्तक्षेप ठीक नहीं है। इन्हें अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता भी देने की आवश्यकता है, परंतु बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखें। सेहत की बात करते हैं, आज के दिन आपके संबंध के मामले में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप अचानक अपने किसी करीबी को नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं और इससे आपको अपने संबंध की दिशा से जुड़ा सही फैसला करने में काफी मदद मिलेगी। अब आप बेजान हो चुके संबंधों से बाहर निकलकर उन संबंधों को समय देने के लिए खुद को तैयार पाएंगे जिन्होंने आपको मजबूत बनाया है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। दोनों के साथ कोई फैमिली गेट टुगेदर होगा। करियर की बात करते हैं, अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। आज आप अपने निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि वहां से भी आपको शुभ संदेश मिल सकता है। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं, वहां से भी धन प्राप्ति का शुभ संदेश मिल सकता है। व्यवसाय में काम की अधिकता के कारण आपको कुछ थकावट हो सकती है। वह कार्य अपने कर्मचारियों की मदद से करें तो आपका कार्यभार हल्का हो जाएगा और तनाव से भी राहत मिलेगी। इस समय कंपटीशन के माहौल में अत्यधिक मेहनत और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। सेहत की बात करते हैं, आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है, इसलिए आपके लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी
शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर को सामान्य काम करने में भी कोई तकलीफ आ रही है तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बरतें। ऐसे एक सावधानी है, पानी की मात्रा बढ़ाएं। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर 21 बेलपत्र की गांठ अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।